ज्ञानी माझी माझो छैया मेरो भैया अगर अच्छा लगे तो फिर क्या करें तालियों का स्वागत करें और तालियां इतनी जोर से बजाए कि हाथ नीले हो जाए भैया तालियां इतनी जोर से बजाए कि हाथ नीले हो जाए और जो भैया इस पंडाल में कुंवारे बैठे हैं जो कुंवारे बैठे उनके हाथ अगली साल जब हम लौट के आए तब तक पीले हो जाए हो क्या नहीं माफी मा को चैया ने रोते बोले क्या बात है हो क्या नहीं माफी मा को चैया ने रोते बोले बाबा है संविधान रचैया जन भैया पीछे वाले हो आपको अच्छा ना लग रहा होगा आप हाथ निकाल लो अपने बाहर हाथ क्यों निकलवाया जानते हो क्योंकि भगवान के दरबार में आए हैं बाबा साहब के लिए हम अपना तन मन धन सब अर्पण करते हैं और भी फायदा होता है मालूम है क्या अगर कोई तुम्हारी जेब से बराबर में बैठा हुआ है कोई चोरी करने के मूड में पैसा निकल है जेब काटने के मूड में तो हाथ निकाल के सतर्क हो गए तो वो दूर हट जाएगा और मच्छर अगर काटने को तैयार है तो वो भी हाथ निकाल के भाग जाएगा बहुत फायदे हैं और आपके हाथ की मांसपेशियां जो ब्लड सर्कुलेशन है रक्त जो संचालन है वो भी होने लगेगा हाँ हो गया भीमा को छैया मेरो दिल ओले बाबा है संविधान रे छैया जन जन ओले और भैया बोले मेरी मैया बोले बाबा साहब जब विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए गए थे आपको मालूम है तो नाम नहीं लिखा है भगा दिया पढ़ने का अधिकार नहीं था पानी पीने का अधिकार नहीं था अच्छे गहने पहनने का अधिकार नहीं था आज हम देखते मेरी माता बहन अच्छा सा आभूषण सोना चांदी खूब पहन रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़ा पहने गंगाराम बौद्ध विद्या जरकिनी पहने अच्छा सा पैंट पहने जूता पहने सब कुछ अधिकार क्या दे दिया मेरे सामने हैं तो दे गए भीम डगरिया रे तेरे ले गए भीम खबरिया रे हाथ निकाल दे
और नीको आनंद रही नीको आनंद राज को भैया मेरो दिल ओ रे बाबा छैया मेरो दिल बोले बाबा संविधान रचैया जन जन बोले आज आप लोगों को अधिकार नहीं था उस समय पीने पानी पीने का, लेकिन आज बिस्लरी का पानी पीते हैं। और सबसे पहले कोई योजना आती है तो आपके लिए उन दलित बस्तियों में जाओ, वहां पे नल लगवा है और व्यवस्था करो। और ये श्रद्धे आए हैं रामोतार कश्यप जी मामूरगंज से, कहना है अरे रामोतार मेरे भैया रे का फूलो